इसलिए हम थोड़ी बात भी कर लेते हैं। आपको पता है कि ये आसाराम बापू पे FIR कैसे हुआ था, कौन सा हुआ था? अरे वो केस था ही नहीं भाई, जीरो FIR हुआ था। जीरो FIR क्या होता है देखिए, जबकि वो पढ़ रही है छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में, रह रही है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, और वो जीरो FIR करवाने के लिए दिल्ली आती है और इंसिडेंटल प्लेस जोधपुर बताती है, तो दिल्ली ना तो उसके पढ़ने की जगह है, ना उसके रहने की जगह है, ना उसके कुछ रिलेटिव यहाँ रहते हैं, ना ये इंसिडेंटल प्लेस है। फिर जीरो FIR, और वो भी इंसिडेंटल प्लेस, इंसिडेंटल डेट के 5 दिन बाद होती है, और वो भी आधी रात को, 19 अगस्त और 20 अगस्त की आधी रात को, यानी कि 2:45 के आसपास, जिसे आप सुबह कह लें, अर्ली मॉर्निंग कह लें, तब वो जीरो FIR होती है। जिस लड़की ने FIR कराया वो छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती है मध्य प्रदेश में, वो कहती है कि घटना हुई जोधपुर में, उसका घर है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, और FIR लिखाया गया दिल्ली में, जहां न वो पढ़ती है, न उसका परिवार रहता है, न उसको कोई सगे संबंधी हैं। क्यों भाई, समझ रहे हैं ना, दिल्ली में आके, और जीरो FIR का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी भारत में करा सकते हैं। अब जब इतने दिन हो गए थे, वो कहती है घटना 14 तारीख की है और FIR 20 को लिखा रही है, तो वहीं लिखाती है ना जहां की घटना थी। प्रेस की बेजवाबदारी है, आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो, जे को पूछ बात नजर में आता है कहां से वो ठोक देते हो, क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। और आपको पता है वो एक ऐसा टाइम फ्रेम था जब हिंदू संतों पे सत्ता में जो थी सरकार, उसको लगा कि प्रहार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धोखे में एक बार हिंदुत्व वाली सरकार उससे पहले आ गई थी, मिली जुली आई थी, इसलिए वो शायद कुछ कर नहीं पाई थी अटल बिहारी की सरकार, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गई थी। अरे कांची के शंकराचार्य पर हत्या का आरोप लगा दिया, गिरफ्तार किया गया था। लेकिन क्यों विश्व हिंदू परिषद ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है? उनका मन में तकलीफ है ना, इतना हो गया देश में, ऐसी तकलीफ है ना, इसलिए हम लोग कर रहा है आतंकवादी से, दूसरी से, मुसलमान पॉपुलेशन से और मदरसा स्कूल से, कई प्रकार से उन लोगों का मन में तकलीफ है, इसलिए वो बोल रहा है। हमारा वो चिंता नहीं है, हमारा समाधान ही है, हमारा लक्ष्य है, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से वो बड़ी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई अपराध नहीं है, उनके साथ 20 और लोगों का नामजद था। भारत के शंकराचार्य की हालत हो गई थी, तो वो जल्दी अपने धाम को भी चले गए थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। राष्ट्र संत शंकराचार्य पर सरकार ने हत्या के आरोप में अंदर कर दिया, क्या साजिश थी भाई। और कानून व्यवस्था देखने वाले वामपंथी लोग कहते थे, आपको बताऊं, जस्टिस AK गांगुली का नाम सुना है? देख लीजिए, ये जस्टिस AK गांगुली हैं, इन्होंने, इन पर जो आरोप था, आरोप ही कहूंगा क्योंकि एक लड़की ने जो लॉ की इंटर्न थी, होटल के कमरे में बोली कि, उन्होंने कहा कि भैया दारू दारू पीती हो तो पी लो, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, और दिस डैट किया, उन्होंने ही वही केस करी उस लड़की ने जो कि आसाराम बापू पे उस लड़की ने करी थी, कि उसने डराया धमकाया और अटेम्प्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट का केस। लेकिन AK गांगुली को तो कुछ हुआ नहीं भाई, ये तो उस समय बंगाल का, पश्चिम बंगाल का ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन भी थे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी थे। इनकलाब तो बहुत हुआ, TV पर लोग आ गए चीखने, लेकिन थे वामपंथी बंगाली, पश्चिम बंगाल के ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। जब बहुत ज्यादा इनकलाब हुआ तो आनन फानन में 3 बेंच का जज, वो जस्टिस माननीय जज लोग बैठ गए, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ तो हुआ लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको केस को रफा दफा कर दिया। फिर ये रिटायर्ड हो गए, ऐस कर रहे हैं, क्यों, ये कौन सा कानून है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए और एक भारत के संत के लिए?
अलग अलग। आपको बताऊं कि आसाराम बाबू के आश्रम के ऊपर भी लगा था ना कि तंत्र में साधना के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, दो बच्चों की हत्या का आरोप लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई तांत्रिक साधना हो और बच्चों की हत्या हो, बड़ी कर दिया, मीडिया ने दिखाया। फ्रैंक मुलक्कल फादर थे, जबरदस्त भाई साहब, आई थी नंस, और ये जो हमारे संत आसाराम पे तो आरोप था कि वो सेक्सुअल असॉल्ट का, उसने कहा था कि मल्टीपल टाइम्स इसने बलात्कार किया। मैं अब ये मानता हूं कि गलत था, लेकिन उस समय जितनी नंस थी, जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, वो सड़कों पे भी आई उनकी औरतें, क्या हुआ? उनके प्रेशर में आके कुछ दिन के लिए तो गिरफ्तार हुए थे। फ्रैंक मुलक्कल फादर, फ्रैंक मुलक्कल बिशप, फ्रैंक मुलक्कल मुलक्कल जो भी नाम हो उनका, कुछ दिन बाद बेल मिल गया और फिर डिक्लेयर खत्म, कोई केस नहीं, रफा दफा, भैया कुछ नहीं किया, वो फादर हैं। सत्ता उनकी थी ना, उनके जैसों की, ये उसी टाइम फ्रेम की बात है मैं कह रहा हूं। इतनी सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो हरिओम है वो समझते हैं, लेकिन जो मीडिया की बातों को सुन के समझ करके आरोप लगाते जा रहे हैं ना, और एक इन्होंने इमेज क्रिएट कर लिया है, वो भी उनको, उनकी भी बुद्धि भगवान सही करें, समझें कि देश किस दिशा में था, क्या क्या हो रहे थे। एक फ्रैंक मुलक्कल जैसे फादर और बिशप के ऊपर जब रेप के आरोप लगते हैं तो किस तरह उसको बेल मिलती है और किस तरीके से उसको छोड़ दिया जाता है। अब चूंकि कानून छोड़ती है तो हम कहते हैं कि चलो वो निर्दोष था, है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाके। और हमें तो यहाँ तो बारह बार बेल रिजेक्ट किया, एक बार भी पेरोल नहीं दिया। संत आसाराम जी को पत्नी का हार्ट अटैक हुआ था, वहां भी नहीं जाने दिया एक घंटे के लिए भी, कह रही थी नीलम दुबे जी, और बाकियों को कितने पेरोल दिए, कब कब बेल दिए, मतलब तो बात ही नहीं करनी। हमें अपनी ये बच्चों से दिखाना है, सत्ता दिखानी है। संत आसाराम बापू के जो शिष्य हैं, जो उनके साधक हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके संत संगम में जाते रहे हैं, वो एक हैं, दृढ़ हैं, वो उनके लिए संत आसाराम बापू निष्कलंक है। ये साहब कि वो हमारे बापू कितने निष्कलंक हैं और उनके ऊपर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए वो दिखाते रहेंगे आपको, छोटी छोटी घटनाओं से लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कम से कम 31 तारीख की रात हम सब साथ हो सकें ट्विटर ट्रेंड के लिए।